भारी असमंजस के बीच में दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने पर विवश हो रहे हैं। कोई प्रॉपर गाइडलाइन उनके सामने नहीं आई, कोई किसी प्रकार से कोई मुनादी भी नहीं करवाई गई थी, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर ही बात चलाई जा रही है कि 8 बजे जो दुकानें बंद होंगी उसमें फल, सब्जी, अंडे, मीट, करियाने की दुकानें शामिल हैं, और 9 बजे दूध, दही, डायरी यानी डायरी प्रोडक्ट की दुकानें 9 बजे बंद होंगी, और 6 बजे से समय जो है ऊपर चला गया है, बाकी दुकानें जो भी हैं वो सभी 6 बजे बंद करनी होगी। जिसको जानकारी थी वो अपने दुकानें इस वक्त बंद करके जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी करियाने की दुकानें और फल फ्रूट की दुकानें जो हैं खुली हुई हैं। कन्फ्यूज़न है, दुकानदार कह रहे हैं कि अगर मुनादी कराई जाती तो उनको जानकारी मिल जाती कि कौन सी दुकानें किस वक्त बंद करनी हैं। अपने हिसाब से दुकानदार एक दूसरे से सूचना पाकर दुकानें इस वक्त बंद कर रहे हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि नगरपालिका के कर्मचारी भी मार्केट में आए थे और उन्होंने भी दुकानदारों को कुछ गाइड किया है, लेकिन फिर भी दुकानदार कन्फ्यूज़न में हैं। जनरल स्टोर बंद हो चुके हैं, लेकिन करियाने की दुकान खुली तो हैं, लेकिन वो थोड़ा असमंजस में हैं। कुछ सामान अंदर रख लिया है और कुछ सामान अभी बाहर हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि फल विक्रेता भी थोड़े असमंजस में ही नज़र आ रहे हैं, क्लियर गाइडलाइन के अभाव में कि वो दुकानें अभी बंद करें अपनी रेहड़ियाँ या फिर खुला रखें। मेडिकल की दुकानों के लिए तो स्पष्ट निर्देश था कि वो लगातार खुली रख सकते हैं, मेडिकल सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हों, लेकिन बाकी दुकानदार अभी कन्फ्यूज़न है। प्रशासन की तरफ से कोई, प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से भी कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि जो कि प्रॉपर दुकानदारों को गाइड कर सके। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि वो क्या सरकार की गाइडलाइन जो आई है वो कितने संतुष्ट असंतुष्ट हैं, बात करें कुछ दुकानदारों से। विशाल शर्मा, जो सरकार की गाइडलाइन आई है क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं आप, कितने संतुष्ट? बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है। हम सारी दुकानें खुली हैं, चाहे वो लोहाई की हैं चाहे किसी चीज़ की भी हैं, कोई पुलिस का प्रबंध नहीं है और सारी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। करियाने की दुकानों है, एक बार सौदा लेके एक महीना सौदा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शाम तक क्यों खुली है, ये शाम तक रात तक क्यों खुली है? इनकी दुकान पे कोरोना नहीं है, लुहाइयों की दुकान पे कोरोना है। चाट की दुकानें खुली हैं, आधे लुहाइयों की दुकानें खुली हैं, आधे लुहाइयों ने बंद कर दिया, क्यों? सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए कानून एक समय निश्चित हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक टाइम होना चाहिए। और पब्लिक भी सड़क पे नजर नहीं आनी चाहिए, जो पब्लिक सड़क के ऊपर नजर आएगी तो बंद करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे साथ हैं अपने दुकानदार साथी वर्मा जी, तो वर्मा जी जानकारी देंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस बारे में आप? चलो जी, हम यही कहना चाहते हैं कि सारे दुकानदार और ग्राहक असमंजस में है कि एक मुनादी हो जाती तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता हमारे सबके लिए ना। सारे परेशान हैं, दुकानदार, रेडी वाला, हर बंदा परेशान है। थोड़ा टाइम और मिल जाता कि क्लियर बुनियादी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप क्या चाहेंगे भाई, कितना टाइम देना चाहिए दुकानदारों को, कौन से टाइम में एक साथ दुकानें बंद करनी चाहिए, अलग अलग से करनी चाहिए? एक साथ करनी चाहिए दुकानें बंद, चाहे एक घंटा कम कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुकानदार के लिए। लेकिन जब मार्केट बिल्कुल ग्राहक आएगा नहीं, पता मार्केट बंद है तो बंद होनी चाहिए बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही सुझाव दिया, अच्छा सुझाव दिया वर्मा जी ने, एक साथ ही दुकानें सही बंद हों ताकि ग्राहक यानी लोग भी अपने अपने घरों को लौट जाए। दुकानदारों को असमंजस में देख कर लोगों का हजूम भी वहाँ पर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, काफ़ी असमंजस की स्थिति दुकानदारों की इस वक्त बनी हुई है। चलिए थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं, देखते हैं बाजार की क्या पोजीशन है। ये बस अड्डा चौक का हाल जो आपके सामने है, दुकानदार अपने दुकानों के बाहर खड़े हैं, कुछ ने दुकानें बंद कर दी और कुछ अभी इस असमंजस में कि दुकानें वो बंद करें या ना करें। और आगे मुख्य बाजार की तरफ बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि दुकानें बंद हो चुकी हैं। किसी न किसी सोर्स से खबर पाकर दुकानदार लगभग दुकानें बंद कर चुके हैं, लेकिन अगर खुली हैं तो सब्जी, फल फ्रूट्स की दुकान वगैरह आप देख सकते हैं वो जरूर खुली हैं। इसके अलावा गारमेंट्स, कपड़े की दुकानें, शोरूम वगैरह जो भी हैं यहाँ पर इस बाज़ार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर, वो सब दुकानें बंद हो चुकी हैं।
सब्जियां विक्रेता अभी खड़े हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि बाज़ार जो है लगभग वो बंद हो चुका है, लेकिन दुकानदार अभी वापस अपने घर नहीं गए हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं। था कि एक असमंजस का माहौल उन दुकानदारों में था। रेहड़ी वाले भी, फल फ्रूट वाले भी प्रॉपर गाइडलाइन की सूचना उनके ना मिलने के कारण से बस वो भी घर जाने की तैयारी में हैं, अपने सामान आदि वो भी समेटने में लग गए हैं। दूर बाज़ार तक आप देख सकते हैं कि सढ़ौरे का बाज़ार दुकानदार काफ़ी चर्चा करते रहे, 5 बजे से ही चर्चा का बाज़ार जो है गर्म हो चुका था। आपस में दुकानदार एकजुट हो गए थे, इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, लेकिन चूंकि इन दिनों पुलिस प्रशासन एक सख्त रवैया अपनाए हुए है, इस कारण से प्रशासन का डर जो है उनको नज़र आया और उन्होंने अपने दुकानें बंद करने में ही बिलाई समझी। करियाने की दुकानें जरूर खुली हैं उस गाइडलाइन के अनुसार, अदरवाइज़ पूरा बाज़ार इस वक्त बंद है। इक्का दुक्का सब्जी की रेहड़ियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं, ये 8 बजे तक ये रेहड़ियाँ खुली रह सकती हैं, इस कारण से ये लोग खड़े हैं। बाकी आप पूरी तरह से सन्नाटा, एक कर्फ्यू जैसा माहौल सढ़ौरा के बाज़ार में आप देख सकते हैं। के मेन बाज़ार में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, दिल्ली कॉम्प्लेक्स, इससे जुड़ी दुकानें सभी बंद, इक्का दुक्का लोग भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। कस्बे का मुख्य बाज़ार इस वक्त काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी इस बाज़ार में, लेकिन अब एकदम से सन्नाटा पसरा है। जैसे मैं बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से पुलिस प्रशासन जो है काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए था, और हमारे SHO दीदार सिंह जी भी लगातार अपील कर रहे थे जनता से, और उनके द्वारा भी सख्ती बरती जा रही थी। उसका असर एकदम से यहाँ पर देखने को मिला और एकदम से बाज़ार में सन्नाटा आप लोग देख सकते हैं कि दुकानें लगभग सभी बंद हो चुकी हैं, लगभग तो क्या सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अभी इस गली में, थाने वाली गली कहलाती है, केवल एक मेडिकल की दुकान यहाँ पर खुली है, और यह है मुख्य बाज़ार का एक मुख्य स्थान जो व्यस्त मार्ग, व्यस्त बाज़ार कहलाता है। काफ़ी भीड़ यहाँ से आवागमन काफ़ी बाधित रहता है, जाम सादृश्य रहता है। वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो जो कस्बे की मेन दुकानें हैं, सिर्फ एक मेडिकल की दुकान यहाँ पर खुली है, बाकी सभी दुकानें यहाँ से बंद आपको नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं हम बढ़ रहे हैं सराफा बाज़ार की तरफ, दोनों ओर की दुकानें बिल्कुल पूरी तरह से बंद। यहाँ पर कोई करियाने की दुकान नहीं, कोई मेडिकल की दुकान नहीं, सभी दुकानें लगभग बंद नज़र आ रही हैं। दूर एक दुकान जरूर एक खुली होगी, तो शायद लगता है कि वो मेडिकल की दुकान ही खुली है, आप देख सकते हैं। अब हम सराफा बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर कोई दुकान जो है करियाने आदि की नहीं होती, तो कंप्लीट बंद मिल सकता है, और वही हो रहा है, दोनों तरफ दुकानें बंद, सराफा बाज़ार पूरी तरह से खामोश। इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं, दुकानदार काफ़ी समय से पहले ही दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में जा चुके हैं। सढ़ौरा कस्बे के बाज़ार के अब अंतिम हिस्से में, उस बाज़ार में भी हम देखेंगे इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं, और दुकानें लगभग यहाँ पर भी पूरी तरह से बंद हैं, चाहे वो करियाने की हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट की हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के सामान की दुकान हो, यहाँ पर तो पूरी तरह से 100% दुकानें जो हैं बंद नज़र आ रही हैं। 7 बजे का समय हो गया है, इस वक्त सढ़ौरा कस्बे का वह स्थान इस वक्त की यहाँ पर पूरी चहल पहल होती थी, चाउमीन की रेहड़ी, समोसा, बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की आदि की रेहड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, और तो काफ़ी संख्या में लोग लगभग सारे कस्बे से यहाँ पर इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर इन चीज़ों का आनंद लेते थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि ये रेहड़ियाँ वगैरह सब बंद, और पूरी तरह से इस बाज़ार में भी सन्नाटा है। कहते हैं कि इस बंद होने का सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान है तो रेहड़ी वालों को है, जो कि
गोलगप्पे चाट टिक्की वगैरह बर्गर वगैरह चाउमीन मोमोस वगैरह बेचकर जो है अपना गुजर बसर करते थे। इन लोगों का कहना है कि शाम को ही लोग जब फ्री होते थे तो बाज़ार में निकलते हैं, तभी वो लोग इनके बनाए सामान का सेवन करते हैं, अदरवाइज दिन में चाट टिक्की वगैरह कोई नहीं खाता है। लेकिन आप देख सकते हैं सन्नाटा है, दुकानदारी बंद है, इनको अब आने वाले दिनों अपने रोजी रोटी के लाले पड़ेंगे। बड़ी बात तो ये थी कि 8 बजे का समय था फल सब्जी करियाना वगैरह और अंडा मीट की दुकानों के बंद करने का, और 9 बजे का दूध डायरी यानी जो डायरी प्रोडक्ट थे दूध के वो सभी दुकानें 9 बजे बंद होनी थी, और बाकी सभी दुकानें जिसमें चाहे वो आयरन का सामान हो कपड़े का सामान हो वो दुकानें 6 बजे बंद होनी थी। लेकिन देखने में ये आया कि एकदम से कोई स्पष्ट गाइडलाइन ना होने के कारण से एकदम से बाज़ार में सन्नाटा पसरा, और अब चूंकि 7 बजे का समय है केवल इक्का दुक्की यहाँ पर सब्जी की रेहड़ियाँ जरूर एक दो खड़ी है, अदरवाइज़ पूरी तरह से बाज़ार बंद है। चाहे वो करियाने की दुकान हो, चाहे वो फिर हलवाई की दुकान हो, वो सभी दुकानें बंद। तो ऐसी स्थिति आप बाज़ार में आज बनी हुई है। तो वास्तव में दुकानदारों का सही कहना है कि प्रशासन को आज एक बुनियादी करके एक सही गाइडलाइन जो उपायुक्त महोदय की तरफ से आई थी यहाँ पर ज़रूर लोगों को बता देनी चाहिए थी ताकि वो असमंजस की स्थिति में ना आते। स्टेट न्यूज़ 71 की परिस्थिति।